विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले तेउथर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। खबर तेउथर से है, जहां कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर विपक्षियों पर हमला बोला। तो वहीं तेउथर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे कौशलेश द्विवेदी, वरिष्ठ नेता गंगा सोहरवा, अशोक पांडे, युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, अमाव सरपंच मधुर मिश्रा सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों लिया भाजपा की सदस्यता। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी को सदस्यता दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए किया अपील। वरिष्ठ नेता कौशलेश द्विवेदी ने बताया कि 50 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था, लेकिन पिछले 5 से 7 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार छलावा किया है, ये कांग्रेस पार्टी का तानाशाही रवैया है। इन सब से जुदा होकर आज मैं अपने सैकड़ों साथियों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ हूं। तो आइए सुनते हैं हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ल से बात करते हुए कौशलेश द्विवेदी ने क्या कहा। में सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से कांग्रेस से बीजेपी में आप लोग शामिल हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? विगत 50 वर्ष के लगभग से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। इधर 5-7 वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता न बन के तानाशाह जैसा रवैया अपना रहे हैं। विकास की तो बात करते हैं, लेकिन विकास से कोसों दूर आचरण उनका रहता है। झूठ पे झूठ करके कार्यकर्ताओं को गुमराह करना वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व का शकल बन चुका हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक और मुझे आज दुख हुआ, कांग्रेस पार्टी से जुदा होने का, वहीं इस बात की खुशी भी हुई कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के हाथों आज इस आशा और विश्वास के साथ मैंने सदस्यता ग्रहण की कि दलितों के शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, खेत और खलिहान में काम करने वाले किसानों के हित में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है, उस काम को और गति वो देंगे। इसीलिए ये कोल राजाओं की गढ़ी, त्योंथर की गढ़ी के द्वारा, ये द्वार है, कुलगढ़ी का द्वार द्वारा कहलाता है, उस द्वार पे आयोजित सभा में मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस बात की मुझे खुशी है और एक तरह से माना जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के खूबसूरत आंगन में एक नन्हे बालक के रूप में मैंने जन्म लिया। जैसा कि आप पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विधानसभा तेउथर से, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की इस बार? कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय की ओर अग्रसर हो रही है। हर वर्ग के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है और कांग्रेस पार्टी एक जात विशेष की पार्टी यहाँ तेउथर में बन के रह गई है। एक जात से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। पिछले बार हम लोगों ने पूरे तन मन धन से कांग्रेस पार्टी की मदद की थी, लेकिन जो प्रत्याशी था उसका आचरण कभी अब सजातीय लोगों को छोड़ करके अन्य को माँ बहन की गाली देना, कुत्ते टाइप के लोग कहना, ये निश्चित तौर से हर ऐसे आदमी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा उसकी आत्मा को ठेस पहुँचाया है। और उसी वजह से आज सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और जो लोग सदस्यता लिए हैं पूरे मनोयोग से
भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी उनकी सभी को एक प्रश्न हमारा ये है कि वर्तमान विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी मंच में नहीं थे जबकि उनके लिए कुर्सी भी लगाई गई थी। आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जनता के बीच में वो हमेशा रहे हैं, वो जनता के बीच में ही बैठे रहे और भारतीय जनता पार्टी को विजय से दिलाने में वो पूरी मनोयोग से काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।